अगर आपको भी सीखना है दर्शन रावल का पोर्ट्रेट किस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही सही वीडियो पे आयो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा एकदम नीट एंड क्लीन और परफेक्ट आउटलाइन किस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दर्शन रावल का मैं ये फोटो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसका मैं रेफरेंस फोटो वीडियो के बीच में आपको दे दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जो मेरी ये ड्राइंग है इसको करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। तो पहले हम ग्रिड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक A4 शीट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और एक स्केल की मदद से यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क करूँगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड पर भी कर लेंगे। अब हम इसको जॉइन करेंगे। अभी हम ऊपर में भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों को हम जॉइन करेंगे। जब सब लाइन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं ऊपर की तरफ अल्फाबेट लिखूंगा। ABC जितना बॉक्स होगा उतना मैं यहाँ पर अल्फाबेट लिखूंगा और साइड पर मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा 1, 2, 3, 4 जितना बॉक्स यहाँ पर नीचे तक है पूरा लिखूंगा। इसको करने से क्या होता है, जो हमारा बॉक्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ग्रिड है वो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ऊपर की तरफ 8 और नीचे की तरफ 11 ग्रिड हमने बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आई से स्टार्ट करूँगा। तो आई मैं यहाँ पर ABC और नीचे की तरफ 2, 3, 4, 5, तो 5 ये रहा 5 का बॉक्स और ये रहा सी 5C। तो जो ये वाला बॉक्स है यहाँ से मैं आई स्टार्ट करूँगा। तो आप भी यहीं से स्टार्ट करो, मैं जिस तरह से यहाँ पर दिखाऊँगा बस आपको फॉलो करने हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रिड बनाया है आप भी बनाइए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से आपको दिखाऊँगा बस आपको फॉलो करना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अगर सीखना है तो आप अच्छे से वीडियो को देखो, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नीट एंड क्लीन और परफेक्ट आउटलाइन आप बना सकते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और एक बार, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो पहला जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अच्छे से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। जितना हम ऑब्ज़र्व करेंगे उतना ही हमारा ड्राइंग बेहतर होगा। अगर हम ऑब्जर्वेशन स्किल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो ड्राइंग इतना अच्छा नहीं होता है। तो जितना हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसी तरह से हम पूरा ड्राइंग बनाएंगे। जो हम पहला आँख था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, उसी तरह से हम जो ये वाला बॉक्स है इसी पर हम दूसरे आँख को भी हम कंप्लीट करेंगे। एक ही बार में आपका परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। अगर आप नया नया ड्राइंग सीख रहे हो या फिर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपका एकदम से परफेक्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपका ड्राइंग बेहतर होता जाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ आप भी अगर इसी तरह से करोगे तो आपका शायद आपका आउटलाइन परफेक्ट ना हो। तो आप गिव अप मत करना, आप फिर से ट्राई करो। एक बार नहीं होता है तो 2 बार में करो, 2 बार पे नहीं आता है तो 3 बार करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ड्राइंग बेहतर होगा। एक ही बार में किसी का भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर खुद के में अगर बात करूँ तो मैं जब पहला ड्राइंग किया था तो मेरा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता था। तो कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ होता रहता है, फिर भी मैं गिव अप नहीं किया, मैं फिर से बनाते गया। उसके बाद जाकर मतलब जो अभी मैं जो स्टेज पर हूँ तो अब मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउटलाइन बना सकता हूँ। तो एक ही बार में किसी का भी परफेक्ट नहीं होता है। तो ये आप गलतफहमी मत रहना कि यार मुझको नहीं आता है, एक ही बार में मैंने ट्राई किया तो यहाँ पर मुझको नहीं आया तो मैं इसको गिव अप कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपका ड्राइंग ज़रूर बेहतर होगा। फेस का आधा हिस्सा तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से हमने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करके जो आँख, नाक, मुंह, दांत ये सब है हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे कान। कान के लिए जो बॉक्स है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला बॉक्स है 6 और 7 G 6 7, तो जो ये 2 बॉक्स है इसी के बीच में हम कान बनाएंगे।
कान भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है पोर्ट्रेट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो फेस का स्ट्रक्चर है, उसका आउटलाइन। अगर आउटलाइन ठीक नहीं होता है तो पूरा पोर्ट्रेट बर्बाद। तो इसको आप टाइम लगाकर ऑब्जर्व करके अच्छे से बनाना, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मतलब जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल मत करना, यहाँ पर यही सबसे मेन फोकस पॉइंट होता है कोई भी पोर्ट्रेट का। तो जितना हो सके उतना आप यहाँ पर टाइम लगाकर अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दाढ़ी है तो मैं इसलिए इसको इस तरह से कर देता हूँ। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ पर दाढ़ी बनाएंगे। तो दाढ़ी में यहाँ पर बस इस तरह से लाइन खींचूंगा, ज़्यादा यहाँ पर नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ पर शेडिंग करूँगा तब मैं इसको अच्छे से बनाऊँगा। अभी इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच रहा हूँ। तो बस इतना सही है, दाढ़ी भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर अभी तक मेरा आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर एक बार बता देना। तो जो दाढ़ी है, दाढ़ी भी हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका जो बाल है, बाल बनाएंगे। जो बाल है, बाल भी हम अच्छे से बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिस डायरेक्शन पर है उसी डायरेक्शन पर हम बाल बनाएंगे। तो देखने के लिए तो इतना यहाँ पर है नहीं, बस थोड़ा सा इस तरह से लंबा लंबा करके है। तो बाल भी एक डिफ़िकल्ट पार्ट है पोर्ट्रेट का, मतलब जब हम शेडिंग करेंगे या फिर कलर करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है करने के लिए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाऊंगा। जो नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है वहाँ पर शेडिंग किस तरह से करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो वीडियो ज़रूर आप एक बार देखना। तो बाल भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारा पोर्ट्रेट है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो गर्दन है और कपड़ा है वही है, वो भी हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो खैर, इसी तरह से आप दर्शन रावल का पोर्ट्रेट बहुत ही आसान तरीके से नीट एंड क्लीन और परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर मैं शेडिंग किस तरह से करते हैं आपको दिखाऊंगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे है प्लीज़ कॉमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार रहे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।